सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इंडियन मिलिट्री में इस्तेमाल होने वाली स्टैंडर्ड डेजिग्नेटेड मार्क्समैन राइफल ड्रैगनाव की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो ड्रैगनाव स्नाइपर राइफल है, इंडियन आर्म फोर्सेस की एक स्टैंडर्ड स्नाइपर राइफल में आती है। हालांकि अब इन स्नाइपर राइफल्स को और भी एडवांस स्नाइपर राइफल से रिप्लेस करने की जो प्रोसेस है उसे शुरू कर दिया गया है, लेकिन शायद आप में से अधिकतर लोगों को ये बात मालूम नहीं होगी कि जो ड्रैगनाव स्नाइपर राइफल है ये अपने समय की सबसे डेडलीस्ट स्नाइपर राइफल में गिनी जाती थी। और इसलिए आज के एपिसोड में हम आपको इससे जुड़ी कुछ ऐसी खास बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिर ऐसे क्या कारण थे जिस वजह से ड्रैगनाव स्नाइपर राइफल, जो अपने समय की सबसे डेडलीस्ट स्नाइपर राइफल मानी जाती थी, इसे एडवांसमेंट देखने को नहीं मिली और अब भविष्य में सर्विस में इसकी कोई भूमिका रहने वाली है या नहीं। इन सब चीजों के बारे में हम आज के एपिसोड में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। ...1963 में जब यह सोवियत यूनियन की ड्रैगनाव स्नाइपर राइफल PSO-1 स्कोप के साथ सर्विस में शामिल हुई थी, तब यह उस समय का दुनिया का सबसे एडवांस स्नाइपर सिस्टम था। और यह ड्रैगनाव स्नाइपर राइफल जिस PSO-1 स्कोप के साथ आई थी, यह उस समय तक किसी भी स्नाइपर राइफल के लिए डिजाइन किए गए सबसे ज्यादा टेक्निकली एडवांस टेलीस्कोपिक साइट था। और केवल यही नहीं, बल्कि अगर आप लॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड स्नाइपर किल्स की टॉप 20 की लिस्ट निकाल के देखेंगे तो यह ड्रैगनाव स्नाइपर राइफल उस लिस्ट में 16वें नंबर पर है। और 1985 में इसी ड्रैगनाव स्नाइपर राइफल से सोवियत अफगान वॉर के दौरान सर्जेंट व्लादिमीर लियान ने 1350 मीटर की दूरी पर टारगेट को हिट करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इस राइफल को डेवलप करने से पहले लेट 1950s में जो सोवियट्स थे वो M1819130 मोजिन राइफल के स्कोप्ड वेरिएंट्स का इस्तेमाल करते थे, जो कि काफी पुराने वेपन्स में आती थी। लेकिन फिर जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो सोवियट्स को महसूस हुआ कि उन्हें और भी एडवांस स्नाइपर राइफल की जरूरत है। और फिर जिसके चलते वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सोवियत आर्मी ने SVD-40 के स्कोप वेरिएंट के सेमी ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। लेकिन उनका यह एक्सपेरिमेंट कई सारे कारणों की वजह से सफल नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पे फेल हो जाने के बाद फिर वे एक नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार थे। और फिर इसके बाद उन्होंने एक स्पोर्टिंग राइफल डिजाइनर येवगेनी ड्रैगनाव की अगुवाई में एक नई टीम तैयार की। और फिर 1957 में इस टीम ने एक नई स्नाइपर राइफल के डिजाइन का कार्य शुरू किया, जो कि 1962 में पूरा हुआ। और फिर सफलतापूर्वक परीक्षण किए जाने के बाद इस राइफल को 1963 में सर्विस में शामिल किया गया। और इस एक्सपेरिमेंट के परिणाम स्वरूप जो ड्रैगनाव स्नाइपर राइफल निकल के सामने आई, उसका यह डिजाइन काफी ज्यादा प्रभावशाली था, जिसमें मूविंग मास को मिनिमाइज करने के लिए शॉर्ट स्ट्रोक पिस्टन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। और केवल यही नहीं, बल्कि तेजी से इसे रिलोड करने के लिए इसमें लास्ट राउंड बोल्ट फीचर किया गया था। लेकिन फिर भी इस राइफल में जो सबसे खास बात थी वो थी PSO-1 ऑप्टिक साइट, जो कि इस राइफल के साथ अटैच की गई थी। और इसी के साथ यह ड्रैगनाव स्नाइपर राइफल उस समय की सबसे ज्यादा फीचर पैक स्नाइपर राइफल बनी थी। और इसका एक और इम्प्रेसिव फीचर था, वो था इंफ्रारेड फिल्टर, जिसे खास तौर पर फर्स्ट जनरेशन के नाइट विजन डिवाइसेस को काउंटर करने के लिए डिजाइन किया गया था। और PSO-1 स्कोप के साथ ये इंफ्रारेड फिल्टर स्नाइपर को अंधेरे में भी अपने टारगेट को डिटेक्ट करने में काफी ज्यादा मदद करता था। और इन सब पैकेज का कॉम्बिनेशन उस समय के हिसाब से सबसे ज्यादा एडवांस माना जाता था। हालांकि शुरुआत में इसमें 7.62x54R एम्यूनेशन की मैच ग्रेड की कमी को लेकर प्रॉब्लम आई थी, लेकिन फिर बाद में इसे 7N1 स्नाइपर कार्ट्रिज के साथ रेक्टिफाई कर दिया गया था। लेकिन फिर जैसे जैसे समय बढ़ता गया, वेस्टर्न कंट्रीज ने भी ऐसी स्नाइपर राइफल्स को विकसित करना शुरू किया जो कैपेबिलिटी के मामले में ड्रैगनाव स्नाइपर राइफल्स के बराबर थी, जैसे कि अमेरिका की XM-21 स्नाइपर राइफल। लेकिन इसके बावजूद भी वेस्टर्न कंट्रीज की राइफल्स में कई सारी कमियां भी थी, जैसे कि जो XM-21 राइफल थी उसमें एक्यूरेसी के लिए काफी ज्यादा ट्यूनिंग करनी पड़ती थी और उसके ट्यूनिंग को मेंटेन रखने के लिए उसे बहुत ही केयरफुली हैंडल करना पड़ता था, और जबकि ड्रैगनाव स्नाइपर राइफल्स में इस तरह की कमियां नहीं थी। और इसी के चलते ड्रैगनाव केवल 1980s और 1990s के बाद से ही नेक्स्ट जनरेशन की स्नाइपर राइफल्स के सामने ऑब्सोलेट होनी शुरू हुई, क्योंकि फिर एक्यूरेसी इंटरनेशनल जैसी कंपनीज ने एक प्रिसाइज राइफल बनाने के लिए अपडेटेड मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स और मटेरियल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, जो कि ड्रैगनाव स्नाइपर राइफल्स के समय ज्यादा मौजूद नहीं थी। और फिर जिसके बाद M24SWS और एक्यूरेसी इंटरनेशनल आर्कटिक वॉरफेयर, जिसे AW राइफल कहा जाता है, इन दोनों राइफल्स को बेस्ट द्वारा 1980s में अडॉप्ट किया गया। और तब इन दोनों राइफल्स ने ड्रैगनाव को एक्यूरेसी के मामले में एक बहुत ही मामूली से अंतर से मात दे दी थी। यानी कि एक्यूरेसी के मामले में ये दोनों स्नाइपर राइफल्स
राइफल्स ड्रैगनों से थोड़ा आगे थी और फिर उसके बाद M24 और अन्य वेस्टर्न राइफल्स और भी एडवांस पावरफुल स्कोप्स के साथ आने लगे जो उनकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होते थे। और जबकि ड्रैगनों के साथ प्रॉब्लम ये थी कि इस राइफल को केवल एक ही बार अपग्रेड किया गया था और वो अपग्रेड भी कोई बहुत बड़ा अपग्रेड नहीं था और ये हुआ था 1970s में जिसमें नई बुलेट के लिए इसके बैरल में कुछ बदलाव किए गए थे। हालांकि 1989 में 3-9x वाले वेरिएबल जूम साइट जिसे PSP-1 साइट के नाम से जाना जाता है उसे ड्रैगनो स्नाइपर राइफल के लिए कंसीडर किया गया था लेकिन बहुत ही लिमिटेड नंबर्स में इन राइफल्स में इस्तेमाल हुई थी। और फिर सोवियत यूनियन के अलग होने के बाद से ड्रैगनो स्नाइपर राइफल्स को इम्प्रूव करने का कभी मौका ही नहीं आया। हालांकि स्पेशल पर्पस के लिए इसके कुछ वेरियंट्स को विकसित किया गया था जैसे कि SVD वेरियंट जो कि एक फोल्डिंग स्टॉक के साथ आता है और इसका इस्तेमाल पैराट्रूपर्स द्वारा किया जाता है और भारत में भी इसी वेरियंट का इस्तेमाल होता है। उसी तरह ड्रैगनो SVU, ड्रैगनो बुलपप वर्जन और ड्रैगनो SVDK जो कि 9.3 mm में एक खास तरह का वर्जन है और इसे खास तौर पर बॉडी आर्मर को पेनिट्रेट करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है और इसके टेलीस्कोपिक साइट्स के साथ भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं लेकिन जो ड्रैगनों के साथ स्टैंडर्ड साइट आई थी वो अभी भी इसमें मौजूद है। और फिर बाद में रशियन फोर्सेज द्वारा ड्रैगनो स्नाइपर राइफल्स को रिप्लेस करने के लिए इसे डोमेस्टिक रिप्लेसमेंट के बजाय वेस्टर्न कंट्रीज के स्नाइपर राइफल्स को प्राथमिकता दी जाने लगी और रशियंस ने इस ड्रैगनो स्नाइपर राइफल को मॉडर्नाइज इसलिए नहीं किया क्योंकि शायद ये राइफल उनके पर्पस को पूरा नहीं कर सकती थी क्योंकि ड्रैगनों को शुरुआत में एक सिंपल पर्पस में इस्तेमाल करने के हिसाब से डिजाइन किया गया था और जिसके चलते ये मॉडर्न वेस्टर्न राइफल्स के सामने ज्यादा नहीं टिक सकती थी। और अब इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ड्रैगनो स्नाइपर राइफल का जो डिजाइन था वो इतना सिंपल था कि इसमें क्लोज कॉम्बैट के लिए बेयोनेट भी माउंट किया गया था लेकिन आपको ये भी बता दें कि इसी सिंपलिसिटी के कारण ये ड्रैगनो स्नाइपर राइफल काफी लंबे समय तक युद्ध भूमि में इस्तेमाल की गई थी लेकिन अगर इसे समय के साथ और इम्प्रूव किया जाता तो इस बात की पूरी संभावना थी कि ये भविष्य में भी अपनी सर्विस दे रही होती। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।